हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, मैं अपना व्लॉग रोज़ नहीं बना पाती क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं मिलता, तो सिर्फ शनिवार और रविवार को ही थोड़ा टाइम मिलता है, तो उसी दिन मैं व्लॉग बना पाती हूँ, एडिटिंग कर पाती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि हमारा जो व्लॉग है वो रोज़ आ सके। और आज का व्लॉग शुरू करते हैं अभी। तो आज के व्लॉग में मैंने यूट्यूब में देखा था, छोटे छोटे एटीएम बना रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी ऐसे एटीएम बनाएं। तो मेरे पास दो बॉक्स हैं, तो हम भी उसमें से दो एटीएम बनाते, तो देखते कैसे बनते। मेरे पास ये दो बॉक्स हैं, ये कुरियर का है और ये चॉकलेट का है, और ऐसे दो कार्ड हैं। तो हम इन दोनों में से एटीएम बनाते हैं, इसमें से बड़ा वाला और इसमें से छोटा वाला एटीएम बनाते हैं। तो गाइज, मैंने यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो देखा था जिसमें ऐसे बॉक्स था और उसमें से एटीएम बना रहे थे, तो मेरा भी मन हुआ कि मैं ऐसे छोटे एटीएम बनाऊँ। तो अभी शुरू करते हैं हम एटीएम बनाना। हाय गाइज, तो गाइज अभी हमारा एटीएम मशीन तैयार हो चुका है। तो ये रहा, और अभी सिर्फ इसको जुड़ा है, पहली बार बनाया है, बहुत मेहनत करने के बाद बनाया। तो अभी जेनिस भी आ चुका है, तो अभी जेनिस इसमें पैसे डालेगा और निकालेगा। तो अभी इसमें से पैसे डालेंगे, फिर इधर एटीएम डालेंगे और फिर इधर से पैसे निकलेंगे। तो अभी ये जेनिस डाल रहा है रुपया। तो अभी मैं डाल के देखती हूँ पैसा कैसे निकलता है। तो ये रहा हमारा एटीएम। तो सबसे पहले इसमें पैसे डालते हैं, इधर से ऊपर से। तो ये 1 रुपये का सिक्का डालते हैं इसमें। अभी इधर हम एटीएम डालेंगे। एटीएम नहीं है, एटीएम कार्ड मैंने नहीं बनाया, तो इस कैल से दिखाती हूँ मैं आपको। अभी हमारा एटीएम मशीन थोड़ा पूरा नया नया बना है, तो ये बहुत ही जाम हो रहा है, इसमें से पैसे निकलने में देर हो रही है। पैसे तो नहीं निकले, पैसे ही नहीं है एटीएम में। वापस दे। तो ये गिरा हमारा 1 रुपया, बहुत ही अंदर से जाम हो रहा है। जैसे यूट्यूब में देखते हैं वैसा तो नहीं बन पाया बिल्कुल भी। तो अभी जेनिस डाल रहा है। तो अभी इसके पैसे फंस गए अंदर। तो गाइस अभी रात हो चुकी है, हमने खाना खा लिया है, तो अभी सब फ्री है, तो अभी हम जाते हैं चक्का खेलने के लिए बाहर। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ जहाँ पे हम चक्का खेल रहे हैं। हाय गाइस, हेलो हेलो। तो ये वाले मेरी कुकरी है, और ये वाली आर्मी की है, ये वाली मानसी की, और ये वाली मेगा की है। अभी मेरी बारी आ चुकी है, देखो।
एक भगवान एक भगवान एक भगवान एक भगवान बे भगवान बे भगवान चल दिया कुकुरो लाओ आरुली भगवान भगवान बे भगवान एक बे यस यस तो गाइज आज मेरे मम्मी पापा मेरे मामा के घर गए थे और वहाँ से ये लेके आए, तो अभी चलते छत पे और आग जलाते हैं और ये जो हमारे गेहूँ है इनको सेकते हैं और पुंख बनाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम पुंख कैसे बनाते हैं, मैं दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या तैयारी कर दी है पुंख बनाने के लिए। तो सबसे पहले ये खटिया हमने डाल दी है और इसके नीचे ये चदरे को डाल दिया है ताकि पुंख इधर से घिसे था नीचे गेहूँ पड़े। इसको गरम गरम ऐसे ही खटिया पे ऐसा करना पड़ता है और नीचे ही ये जो पड़ रहा है वो पंख पड़ रहा है। तो गाइस मेरी मम्मी वापस से सेक रही है। तो अभी मेरी मम्मी तीसरी बार गई है आग में सेकने के लिए। तो गाइस अब की बार मैं ट्राई करती हूँ। ये गेहूँ को सेक दिया है और उसका पंख भी बना दिया है। तो ये देखो इतना ही निकला है। तो अभी इनको मैं एक डब्बे में पैक कर देती हूँ और इसको हम कल सुबह ही खाएंगे। तो अभी हमारे पास ये डिब्बा है तो इस डिब्बे में भी इस पंख को भर देते हैं। तो अभी मैंने सारा पंख इसमें भर दिया है। तो गाइज आज के व्लॉग में इतना ही और होली का त्यौहार आ रहा है तो मैंने होलिका दहन की ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया है। तो आने वाले व्लॉग में मैं वो दिखाऊंगी, तो उसको देखने के लिए आप मेरा आने वाला व्लॉग ज़रूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। वापस दे तो ये गिरा हमारा एक रुपया।